नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोला और बढ़लगंज बंधों का जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने किया निरीक्षण। कहा, नदियों का पानी अभी खतरे के निशान से है नीचे। कटान वाले बंधों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। कावड़ यात्रा पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि कावड़ यात्री जहां से जल भरते हैं और जिस मंदिर पर चढ़ा रहे हैं जल, वहां पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। मंदिरों की सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ब्रेथ एनालाइजर से किया गया चेक। मदिरा सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का अत्यधिक चालान के लिए गठित की गई दो टीमें। कहा, दुर्घटनाओं से बचने और दूसरे की स्वास्थ्य रक्षा के लिए शराब पीकर ना चलाएं वाहन। फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त पवन सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऑपरेशन सिकंजा के तहत जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को दिलाया जा रहा है सजा। एसएसपी ने कहा, आगे भी जारी रहेगा अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान। बरसात के पानी से होने वाली बीमारियों के बचाव पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, बीमारियों से बचाव के लिए गांव-गांव चलाया जा रहा है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। कीटनाशक दवाओं का करवाया जा रहा है छिड़काव। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने नवागत जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश का स्वागत समारोह का आयोजन कर अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया उन्हें सम्मानित। कहा, भारतीय परंपरा और शिष्टाचार के क्रम में हम लोगों ने अपने मुखिया नवागत जिलाधिकारी का किया है स्वागत। और सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ घोषित। उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गले लगाकर दी एक दूसरे को शुभकामना। कहा, सफलता का श्रेय जाता है उनकी मेहनत और अपने माता पिता एवं गुरुजनों को। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने गोला और बढ़लगंज के बंधों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने बताया कि गुरुवार को बढ़लगंज के कटान स्थल और गोला के बंधों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है। कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर कटान हो सकती है, जिसको देखते हुए बंधों को मरम्मत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिससे जनपद के किसी बंधे का कटान ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, कल उधर हम लोग गोला और बढ़ेलगंज की तरफ गए थे। लगभग अभी तो कल शाम में नदी जो है खतरे के निशान से नीचे थी, बट एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कुछ जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ कुछ कटान होने की संभावना है। माननीय विधायक जी भी वहाँ आए, उनको भी आइडेंटिफाई करके बाढ़ के लिए तो क्योंकि वहाँ गांव का रिक्वायरमेंट है, जैसे भी हम बचाने की कोशिश करें और आगे की भी कार्य योजना इसी अनुसार बनाएंगे। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तरह की तैयारियां श्रावण महीने में ही कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जनपद में बढ़लगंज से जल भरकर पिपराइच में जल चढ़ाते हैं और जिस रास्ते में कांवड़ यात्री चलते हैं और जहां जल चढ़ाते हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है तथा कुछ मार्गों का डायवर्जन किया गया है, जिससे कि कांवड़ यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा, मंदिरों पर जनपद पुलिस व पीएससी व बाहरी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिरों की सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक प्रबंध जो है वो सावन महीने के शुरुआत से ही कर लिए गए हैं। विगत जो सोमवार था उस दिन पर, उससे पहले एक रात में, जहाँ से जल भरा जाता है और जिस रूट पे कांवड़ यात्री चलते हैं
और जहां पर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं सभी जगह पर पुलिस की प्रेजेंस रही। विशेष रूप से रूट को कैसे सिक्योर किया जाए, कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए और पुलिस की प्रेजेंस अगर कोई घटना होती है तो त्वरित उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सके, इसके लिए सभी अधिकारी जो है पूर्व से भी उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। इस बार भी वो ड्यूटी पे मुस्तैद रहेंगे और किसी भी घटना को होने से बचाया जा सके इसकी पूरी तैयारी इसी भी हम लोगों को मिली है। और बाकी जहाँ जहाँ पर आयोजन बड़े होते हैं वहाँ पर अन्य थानों से भी फोर्स वहाँ पर लगाया गया है। CCTV कैमराज वगैरह की मदद ली जा रही है, ड्रोन कैमराज की मदद ली जा रही है और इसको एक अच्छे माहौल में ये त्यौहार सम्पन्न हो उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महानगर के TP नगर चौराहा और पादरी बाजार चौराहे पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया गया। आपको बता दें कि मदिरा के सेवन में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को अत्यधिक चालान की कार्यवाही के लिए यातायात पुलिस की 2 टीमें गठित की गई हैं, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अधिकांश दुर्घटना का कारण बनता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, अगर किसी को शराब पीने का शौक है तो वह अपने घरों में जाकर पिए। ट्रैफिक पुलिस रात्रि 8 लोगों के विरुद्ध चालान किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी। दुर्घटनाओं से बचने के लिए और अपने और दूसरे के स्वास्थ्य रक्षा के लिए शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, आप सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, हेडफोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत रोकिए, आपके अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का कारण होता है शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो मेरा यही अनुरोध है सभी चालकों से कि शराब पीकर कोई गाड़ी ना चलाए। अगर किसी का शौक़ है तो अपने घर में इसको बैठ के करें और उसके बाद वाहन लेके ना निकलें। अब यथासंभव जहाँ तक है नशे से बचना चाहिए और नशे की दशा में अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो गोरखपुर पुलिस द्वारा बीती रात 8 लोगों के विरुद्ध भारी जुर्माना किया गया है और ये कार्रवाई हमारी नियमित रूप से जारी रहेगी। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए और अपने और दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नशा पीकर गाड़ी न चलाएं, ऐसा मैं सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध करता हूँ। बहुत से लोग सड़क किनारे खड़े होकर दारू पीते, उनके लिए क्या? जो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर दारू पीते हैं ऐसी कोई शिकायत आएगी तो ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस दोनों मिलकर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई करेंगे। कैंट पुलिस ने फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सिंघड़िया चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पवन सिंह पुत्र कौशल किशोर सिंह निवासी नंदानगर गोकुलपुरम TV अस्पताल के आसपास थाना कैंट जनपद गोरखपुर स्थायी पता करहनु जीरादेई सिवान बिहार के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है। वहीं के 4 लोगों को जिनको यह जानता था उन्होंने यह प्रलोभन दिया कि मैं विदेश भेजने और नौकरी लगवाने का कार्य करता हूं। उनके द्वारा अभियुक्त पवन सिंह को कुल 2,48,000 रुपए 4 लोगों द्वारा खाते में पैसा भेजा गया। अभियुक्त द्वारा 4 लोगों का मेडिकल कराया गया एवं फर्जी दुबई का वीजा व फर्जी दुबई टिकट देकर लखनऊ एयरपोर्ट पर भेजा गया, जहां पर एयरपोर्ट पर इन लोगों को जानकारी हुई कि यह वीजा व टिकट फर्जी है, तब इन लोगों द्वारा थाना कैंट पर आकर मुकदमा दर्ज कराया गया।
इस संबंध में पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इससे पूर्व पवन सिंह द्वारा सिंघड़िया में 2020 में 22 लाख रुपए की लूट की गई थी, जिसमें अभियुक्त गैंगस्टर व लूट के मुकदमे में जमानत पर बाहर था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार अरुड़, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल राकेश सिंह रामाराम शामिल रहे। जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन सिकंजा के तहत न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलवाया जा रहा है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ऑपरेशन सिकंजा के तहत ऐसे अपराधी जिनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं उसकी पैरवी करके सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है तथा कुछ दिनों में लगातार न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा, प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में जो गवाह हैं न्यायालय में उपस्थित रहकर सजा दिलवाने के प्रयास किया जा रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए लगातार जो ऑपरेशन शिकंजा है उसके तहत ऐसे अपराधी जिनके मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन है उसमें पैरवी करके उनको सजा दिलाने का प्रयास चल रहा है। विगत दिनों में लगातार डेली बेसिस पे ही अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। गोरखपुर जिले का इस मामले में बहुत अच्छा एक विगत दिनों में कार्रवाई यहाँ पर हुई है और मुझे पूरी आशा कि आने वाले दिनों में भी अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे विटनेसेस हैं, भले वो पुलिस के हों या पब्लिक के हों, उनको कैसे यहाँ पर उपस्थित कराकर उनकी गवाही कराकर और अपराधियों को सजा दिलाई जा सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोला और बढ़लगंज बंधों का जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने किया निरीक्षण, कहा नदियों का पानी अभी खतरे के निशान से है नीचे, कटान वाले बंधों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। कांवड़ यात्रा पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि कांवड़ यात्री जहां से जल भरते हैं और जिस मंदिर पर चढ़ा रहे हैं जल, वहां पर पुलिसकर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी, मंदिरों की सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ब्रेथ एनालाइजर से किया गया चेक। मदिरा सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का अत्यधिक चालान के लिए गठित की गई दो टीमें, कहा दुर्घटनाओं से बचने और दूसरे की स्वास्थ्य रक्षा के लिए शराब पीकर ना चलाएं वाहन। फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त पवन सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऑपरेशन सिकंजा के तहत जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को दिलाया जा रहा है सजा। एसएसपी ने कहा, आगे भी जारी रहेगा अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान। बरसात के पानी से होने वाली बीमारियों के बचाव पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, बीमारियों से बचाव के लिए गांव-गांव चलाया जा रहा है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, कीटनाशक दवाओं का करवाया जा रहा है छिड़काव। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने नवागत जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश का स्वागत समारोह का आयोजन कर अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया उन्हें सम्मानित, कहा भारतीय परंपरा और शिष्टाचार के क्रम में हम लोगों ने अपने मुखिया नवागत जिलाधिकारी का किया है स्वागत। और सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ घोषित, उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गले लगा कर दी एक दूसरे को शुभकामना, कहा सफलता का श्रेय जाता है उनकी मेहनत और अपने माता पिता एवं गुरुजनों को। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए
या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन, स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेडवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने बरसात से होने वाली बीमारियों की तैयारी पर कहा कि जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गांव की साफ सफाई करवा के या जाए तथा जहां कहीं भी जल जमाव हो उसको दूर किया जाए। इसके अलावा गांव में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है जिससे किसी तरह की बीमारी ना फैले, जिसको WHO यूनिसेफ से जाँच करवाया जा रहा है। जहाँ पर भी कमियाँ निकल रही हैं वहाँ पर दस्तक अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात से पशुओं को होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए पशुओं का इलाज करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा, अभी संचारी रोग अभियान हमारे यहाँ चल भी रहा है, तो उसमें कल भी हम लोगों ने एक मीटिंग किया था। गाँव गाँव हम लोग साफ़ सफाई, झाड़ी झंका ये सब करा रहे हैं, जहाँ भी वाटर लॉगिंग है उसको क्लियर करा रहे हैं।
मॉस्किटो पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रीटमेंट कराना है, जो वाटर लॉग एरिया है जहाँ पानी जमा है उनको हटवाने के लिए पूरा टायर्स है, तो ये सब जगह ड्राइव चलाया गया और हेल्थ विभाग को भी इंस्ट्रक्शंस हैं और WHO यूनिसेफ से हम लोग इसको क्रॉस चेक भी करा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कमियाँ निकल रही हैं उसको ठीक कराए जा रहे हैं, लोगों को ये दस्तक अभियान के माध्यम से इन सब चीज़ के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए CVO आपको निर्देशित किया गया है, वो भी अपना गांव में भ्रमण कर रहे हैं और जो भी जागरूकता है उसका करेंगे। कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन सभागार में तथा जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में नवागत जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने नवागत जिलाधिकारी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया, जिसके संबंध में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय परंपरा और शिष्टाचार के क्रम में हम लोगों के बीच जब भी कोई मुखिया आते हैं तो अपने मुखिया का अपने बीच में स्वागत किया जाए, उसी क्रम में नवागत जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश को सभी अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा, अतिथि महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय मुख्य अतिथि अधिकारी महोदय श्यारू साहब और कैबिनेट के सभी पदाधिकारीगण सभा कक्ष में उपस्थित, ईश्वर से कामना करता हूँ या अपने कुशल नेतृत्व में इस जनपद को आगे बढ़ाएंगे और चूंकि ये निर्देश है कि समस्त वरिष्ठ संपर्क समाज अध्यक्षतागण, आप सभी को मेरी तरफ से अपनी कार्यकारी तरफ से व जिला गोरखपुर की तरफ से हमारे बीच मंचल सिंह नवागत जिलाधिकारी महोदय श्री कृष्णा करुड़ेश जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा मंचल को इससे पहले अपने नवागत जिलाधिकारी श्री कृष्णा करुड़ेश जी का एक संक्षिप्त परिचय करना चाहता हूँ। हमारे नवागत जिलाधिकारी जी श्री कृष्णा करुड़ेश जी लाभ पहुँचाकर उसे लाभान्वित करेंगे। जिलाधिकारी महोदय को दो पंक्तियां Thank you.
भारतीय परंपरा और शिष्टाचार के क्रम में जब भी कोई अपने बीच में अपने मुखिया आते हैं तो ये हमारा शिष्टाचार है, ये हमारा संस्कार है कि अपने मुखिया का अपने बीच में जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाए। उसी क्रम में नवागत जिलाधिकारी महोदय का यह जो है स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम जिला अधिवक्ता एसोसिएशन सभागार में एसोसिएशन की तरफ से रखा गया है। जनपद में सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलने पर छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा। इस दौरान उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मिलकर उत्तीर्ण होने की शुभकामना दिया, जिसके संबंध में 95.4% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सौम्या पांडे ने बताया कि परीक्षा में सफल होने का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के दौरान काफी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी हमने मेहनत किया और विद्यार्थियों ने बताया कि उत्तीर्ण होने का श्रेय अपने माता पिता एवं टीचर को देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ इन लोगों ने भी मेहनत किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीबीएसई बोर्ड में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने कहा, मेरा नाम चक्रपाण दत्त यादव है। 72 माता पिता को और टीचर को ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ऐप के थ्रू। दिक्कत ये हो रही थी कि थोड़ी सी नेट की सुविधा हो रही थी, लेकिन बाद में ठीक हो गई। सौम्या पांडे 95.4। अच्छा, टीचर्स को और पेरेंट्स को। हाँ, कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कभी कभी वीडियो पॉज हो जाता था या कभी कुछ, लेकिन टीचर्स ने काफ़ी मदद की। नमन कुमार 94.4। मैं अपने पेरेंट्स को, स्कूल को और स्कूल के टीचर्स को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल मैंने किया है, लेकिन मेरे साथ साथ इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया। दिक्कतें ऐसे ज़्यादा हुई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मतलब स्कूल ने मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी किया था, और तो यहाँ से भी मतलब बहुत फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा ये भी था कि मतलब जो भी स्कूल आने और जाने का जो टाइम है वो बचा, तो इसका और हम पढ़ाई में दे सकते हैं, तो दैट वाज नो। काजल त्रिपाठी 82। तुम्ही को बेटा, तुम्ही को मम्मा को। बीच में कोरोना काल था, ऑनलाइन पढ़ाई में देखो, हां फिर भी मतलब अपना हम लोग ट्राई करते थे, बेस्ट फिर घर पे भी जाके रिवीजन करते थे, पढ़ते थे। स्थानायक 87.6। टीचर्स को और पेरेंट्स को कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता था ऑनलाइन क्लास में, और कभी कोई नेटवर्क इशू होता था, ऐसी सब चीज़ें होती थी, तो और पर टीचर बहुत सपोर्टिव थे, इसलिए मतलब अच्छा परसेंट स्कोर कर पाए। घर वाले भी सपोर्ट करते थे? हाँ हाँ, घर वाले भी सपोर्ट करते थे। अपूर्वा पांडे 94%। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, और फिर जो हमारे टीचर्स जो हमेशा हमें हमारे सपोर्ट में थे। सर, प्रॉब्लम्स तो हुई ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी था कि हम ऑल टाइम पढ़ पा रहे थे और अपनी स्टडीज़ में फोकस कर पा रहे थे, और फिर ऑनलाइन जो हमें मटेरियल मिल गए थे यूट्यूब वगैरह से, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जा रही थी। लेकिन तभी भी ऑफलाइन को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसमें आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन में भी जिसको एडवांटेज लेना था वो ले लिया था उसमें। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोला और बढ़लगंज बंधों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया निरीक्षण, कहा नदियों का पानी अभी खतरे के निशान से है नीचे, कटान वाले बंधों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। कांवड़ यात्रा पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि कांवड़ यात्री जहां से जल भरते हैं और जिस मंदिर पर चढ़ा रहे हैं जल, वहां पर पुलिसकर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी, मंदिरों की सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी।
शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ब्रेथ एनालाइजर से किया गया चेक। मदिरा सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का अत्यधिक चालान के लिए गठित की गई दो टीमें, कहा दुर्घटनाओं से बचने और दूसरे की स्वास्थ्य रक्षा के लिए शराब पीकर ना चलाएं वाहन। फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त पवन सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऑपरेशन सिकंजा के तहत जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को दिलाया जा रहा है सजा। एसएसपी ने कहा आगे भी जारी रहेगा अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान। बरसात के पानी से होने वाली बीमारियों के बचाव पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा बीमारियों से बचाव के लिए गांव-गांव चलाया जा रहा है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, कीटनाशक दवाओं का करवाया जा रहा है छिड़काव। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने नवागत जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश का स्वागत समारोह का आयोजन कर अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया उन्हें सम्मानित। कहा भारतीय परंपरा और शिष्टाचार के क्रम में हम लोगों ने अपने मुखिया नवागत जिलाधिकारी का किया है स्वागत। और सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ घोषित। उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गले लगाकर दी एक दूसरे को शुभकामना। कहा सफलता का श्रेय जाता है उनकी मेहनत और अपने माता पिता एवं गुरुजनों को। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।